शाहरुख खान जितने पॉपुलर स्टार हैं उतना ही उनका आलीशान बंगला बन्नत भी काफी पॉपुलर है। शाहरुख के साथ ही लोग उनके इस आलीशान बंगले को देखने के लिए भी आते हैं। और आज हम आपको शाहरुख के बंगले बन्नत से जुड़ी 5 दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगी। पहली बात, शाहरुख खान ने अपने शानदार बंगले का कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया है, बल्कि ये बंगला उन्होंने गुजराती बिजनेसमैन से खरीदा था जो एक वक्त में शाहरुख के पड़ोसी हुआ करते थे। पहली बार देखने के बाद ही शाहरुख का दिल इस बंगले पर आ गया था और काफी मुश्किलों के बाद ये बंगला उन्हें मिला। बंगले के मालिक नरीमन दुबे से कई मिन्नतें करने के बाद आखिरकार शाहरुख ने अपने सपनों के घर को 13.32 करोड़ रुपीस में खरीदा, यानी 13,32,00,000 रुपए में। दूसरी बात, ये बात बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि मन्नत का पहले नाम विला वियना हुआ करता था। ये नाम बंगले के पुराने मालिक ने ही रखा था, लेकिन जब शाहरुख ने उनसे ये बंगला खरीद लिया तो उन्होंने उसका नाम बदल कर मन्नत रख दिया। तीसरी बात, 6,000 स्क्वायर फीट में फैला ये बंगला 6 मंजिला है। इसमें 5 बेडरूम, 2 लिविंग रूम, गेस्ट रूम के अलावा ऑफिस, लाइब्रेरी, जिम, एंटरटेनमेंट रूम और कार पार्किंग के लिए भी काफी जगह है। इस बंगले का इंटीरियर शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान ने ही डिजाइन किया है और डिजाइन करने में गौरी को 4 साल से भी ज्यादा का समय लगा था। चौथी बात, शाहरुख ने ये बंगला उस वक्त करीब 13,32,00,000 रुपए में खरीदा था, लेकिन आज इसकी कीमत लगभग 200 करोड़ के आसपास है। और पांचवी बात, शाहरुख खान का ये बंगला वर्ल्ड्स बेस्ट होम की लिस्ट में 10th पोजीशन पर है। शाहरुख के बंगले में एक शानदार लॉन्च के साथ ही एक बड़ा स्टूडियो भी है और उनका घर इतना बड़ा है कि इसमें 225 लोग आराम से रह सकते हैं।